नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अमृत भारत स्टेशन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इस स्कीम में ऑल इंडिया में टोटल 1275 स्टेशंस को अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें कि 508 स्टेशन के ऊपर काम शुरू हो चुका है या होने वाला है। और इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था देश के प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी ने अगस्त 2023 को। छत्तीसगढ़ में करेंटली फेज वन में 7 स्टेशन को डेवलप किया जाएगा, जिसमें आता है बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, अकलतारा, तिलदा नेवरा और भिलाई पावर हाउस जैसे स्टेशन। बाकी लोगों को स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में टोटल 32 स्टेशन को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसे कि आने वाले समय में अपग्रेड किया जाएगा। हो सकता है फेज़ टू में अपग्रेड किया जाए। आज के इस वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे भिलाई पावर हाउस स्टेशन के पास, क्योंकि यहाँ पे काम स्टार्ट हो चुका है। पावर हाउस स्टेशन ऑलरेडी ऑपरेशनल है और सभी बेसिक एमिनिटीज़ अवेलेबल हैं यहाँ पे, बट इसे रीडेवलप किया जा रहा है सो दैट कि एमिनिटीज़ को और बेहतर बनाया जा सके और आपके ट्रैवल एक्सपीरियंस को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके, जैसे कि बेहतर पार्किंग एरिया, ब्रिजेस, लिफ्ट, एस्केलेटर, वेटिंग हॉल, बेहतर टॉयलेट्स। पावर हाउस स्टेशन पे आप दो साइड से एंट्री कर सकते हैं। एक साइड आता है नस्थल हाईवे नंबर 53 के साइड और दूसरा साइड भिलाई स्टील प्लांट की तरफ जाता है, जिसे हम सेक्टर एरिया भी कहते हैं। नेशनल हाईवे नंबर 53 के साइड में जो एरिया आता है, वहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से यहाँ पे काम लेट स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अभी तक काफ़ी सारे फूड स्टॉल और लोकल शॉप्स स्टेशन के बाहर हुआ करती थी। रिसेंटली उन्हें यहाँ से शिफ्ट किया गया है और उम्मीद कर सकते हैं कि इस एरिया में बहुत जल्दी काम शुरू होता हुआ नज़र आएगा आपको। लेकिन आने वाले टाइम में आपको इस एरिया में भी एंट्री और एग्जिट गेट देखने को मिलेगा। सेक्टर एरिया में स्पेस ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे काम काफ़ी पहले स्टार्ट हो चुका है। एंट्रेंस के लिए एक नई बिल्डिंग को बनाया जा रहा है, साथ में और भी एरियाज़ के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यहाँ स्पेस ज़्यादा होने की वजह से आपको पार्किंग के लिए भी एक्स्ट्रा स्पेस देखने को मिलेगा यहाँ पे। इनफैक्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर भी काम चल रहा है। अब यहाँ पे क्या कुछ बनेगा और कैसा दिखेगा ये स्टेशन, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, बट आई एम श्योर कि एयरपोर्ट से कम तो नहीं लगेगा। साथ ही यहाँ पे फुट ओवर ब्रिज भी बनाया जाएगा, जो कि आपको सेक्टर एरिया से नेशनल हाईवे नंबर 53 की तरफ डायरेक्टली लेके जाएगा, सो दैट कि आप स्टेशन को इजीली क्रॉस करके दूसरी तरफ जा पाएंगे। बस उम्मीद है कि लोकल पब्लिक इसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझ के बर्बाद ना करे और ये टिका रहे हैं सालों साल तक। करेंटली इसका कोई ड्राइंग या ऑफिशियल इमेज नहीं है मेरे पास आपको दिखाने के लिए, बट ये छोटा सा अपडेट मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। आने वाले टाइम पे दुर्ग स्टेशन पे भी काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, वहाँ जब काम स्टार्ट हो जाएगा तो वो भी आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है बाहर, तो अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो पानी की बोतल साथ में रखिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।